फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ले गया हूँ एंटी थेफ सिस्टम कैसे लगाएंगे अपनी बाइक में। तो इसमें आपको मिलती है दो चाबियाँ मिल जाएंगी, एक आपको एंटी थेफ का सिस्टम मिल जाएगा और एक मिल जाएगा बजर, और एक ये आपको वायरिंग मिल जाएगी इसकी पूरी। तो इसका लगाने का सिस्टम क्या है कि आपने ये बजर जो है अपने इसके बजर का एक प्लग मिलता है, इसके साथ अटैच कर देना है आपस में, और ये जो आपकी वायरिंग है ये वायरिंग आपकी अटैच हो जाएगी यहाँ पर, और इसकी जो येलो वायर है ये येलो वायर जाएगी आपके इंडिकेटर के एक पॉजिटिव में, और आपके दूसरी येलो वायर जाएगी दूसरे इंडिकेटर के पॉजिटिव में, आपकी रेड वायर जाएगी बैटरी के पॉजिटिव में, और ब्लैक वायर जाएगी नेगेटिव में बैटरी के, और ये जो आपकी ब्लू वायर है ये जाएगी आपके स्टार्टर में। बाइक में स्टार्टर होता है, इसमें ग्रीन कलर की वायर होगी उसमें जाएगी आपकी, फिर आपकी आ जाएगी ऑरेंज वायर, ऑरेंज वायर जाएगी आपके इंडिकेटर के ब्लिंकर डब्बी में, उसमें ब्लैक वायर में जाएगी, फिर पिंक पिंक वायर बस्ती हो जाएगी आपके इग्निशन में, उसमें आपको मिल जाएगी इग्निशन की रेड वायर, उसके अंदर आपने अटैच करना, और एक ग्रे वायर होती है ये आपने कहीं पर भी अटैच नहीं करना। ये सारा सेटअप आपका है स्प्लेंडर बाइक का। स्प्लेंडर बाइक में कैसे कनेक्ट करना है ये सारा सिस्टम मैंने आपको बताया है इसके अंदर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको और कैसी वीडियोस चाहिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू। अब आपको ये सारा सिस्टम हम बाइक स्प्लेंडर प्लस में इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो पूरी वीडियो देखिए ध्यान से, तभी आप इस पूरे सेटअप को समझ पाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि हम अपने बाइक में स्प्लेंडर में एंटी थेफ कैसे लगाएं। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले मिल जाएगा एक बजर, एक मिल जाएगा आपको को मिल जाएगी एक सेफ गार्ड मिल जाएगा, उसके बाद आपको वायरिंग मिल जाएगी, उसके बाद आपको कीज़ मिल जाएगी। ये आपने की मैंने बढ़िया वाली मंगवाई है, तो आप सिंपल में ही मंगवा सकते हो, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने ये मंगवाई है। अगर आप नॉर्मल वाला बाय कर सकते हो तो करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा 100-200 रुपये। बाकी इसमें आपको इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस दिखा रखा है, आप देखिए पूरी इंजॉय करिए वीडियो। सबसे पहले आप दोनों साइड के नट खोल लीजिए और अपनी सीट को उतार लीजिए। ये 10 नंबर का बोल्ट है, आप पाने या किसी भी टूल से खोल सकते हो इसको। उसके बाद आपको सीट उतार लेनी है, उसके बाद आपको जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा वैसे ही आपको करना है सब कुछ। सबसे पहले आपने इसके इंडिकेटर के कनेक्शन कर देने हैं। येलो वायर को दो येलो वायर मिलेगी इसके अंदर, आपको दोनों येलो वायर दोनों इंडिकेटर्स के पॉजिटिव में दे देनी है, किसी भी पॉजिटिव में कोई से में लगा दो आप इसको, एक एक इंडिकेटर में, एक एक इंडिकेटर में, कोई लेफ्ट राइट का झंझट नहीं है इसमें। उसके बाद आपको एक रेड और ब्लैक वायर मिल जाएगी इसमें, वो आपने अपने बैटरी के पॉजिटिव में रेड दे देना है और ब्लैक आपके नेगेटिव में दे देना है बैटरी के। इस तरह से आपने रेड वायर को रेड वाइट में कनेक्ट कर लेना है और अपना ब्लैक वायर को नेगेटिव में कनेक्शन कर देना है। आप चाहे तो इसको अपना बॉडी के किसी अर्थ में भी दे सकते हैं, किसी भी नट वगैरह में।
इसके बाद आपको मिल जाएगी ब्लू वायर जो आपने स्टार्टर में दे देनी है अपने बाइक के, उसके पॉजिटिव में ग्रीन वायर में दे देना अपने स्टार्टर के। इस टाइप से आपको स्टार्टर मिल जाएगा, उसमें आप अपना ग्रीन वायर में लगा दीजिए इसको। और आप इसे काट कर भी लगा सकते हो, वरना आप डायरेक्ट इस तरह से भी लगा सकते हो प्लग में। इस टाइप से आपने लगा देनी है इसके अंदर। फिर वापस इसको उसी जगह पे इंस्टॉल कर दीजिए। फिर उसके बाद एक ऑरेंज वायर होगी, वो आपने अपने फ्लैशर के पॉजिटिव में दे देनी है। पॉजिटिव में आपका ब्लैक वायर होगा स्प्लेंडर में, उसमें आपको ऑरेंज वायर अपना लगा देना है। अगर आप ऐसे प्लग में नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट तार काट के भी लगा सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन यह है कि आप प्लग में ही लगाएं। ये ग्रे वायर किसी काम की नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हैं, इसे साइड में रख सकते हैं। और आपकी ये लास्ट वायर बची है पिंक वायर, ये आपने सीधा इग्निशन में देनी है। तो आप इसे एक्सटेंड कर लीजिए और अपना इग्निशन में दे दीजिए, जैसे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ अभी। इसको ऐसे टैंकी के नीचे से निकाल के इग्निशन तक ले जा सकते हैं। उसके बाद आप अपना वाइजर खोल लीजिए, वाइजर में आपको प्लग मिलेगा, सबसे मोटे वाला प्लग मिलेगा जो, उसको खोल के आपने उसके रेड वायर में इसको लगा देना है। इसकी रेड वायर में कनेक्शन कर लीजिए इसका, कुछ इस टाइप से आप इसको कनेक्शन मिल कर सकते हैं। इस स्विच, ये आपको सबसे मोटे वाला स्विच ही मिलेगा स्प्लेंडर बाइक में इग्निशन का। हाँ तो फ्रेंड्स, अब वायरिंग वगैरह हो चुकी है सारी, तो ये हमारा सेफ गार्ड है। तो अपने वाइजर अटैच कर लेना इसके साथ और इसका प्लग कर देना है, अपने जो वायरिंग का जो प्लग सामने दिख रहा है वाइट कलर में, उसमें प्लग कर दीजिए इसको बस। और ये आपका कनेक्शन सारा हो चुका है, और इसे और सेटअप कर लीजिए अच्छे से अपनी बाइक में जहाँ आपको ठीक लगे। सीट के नीचे बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका पानी वगैरह कुछ नहीं जाएगा। और इसकी सेफ्टी के लिए आपको इसके अंदर एक फ्यूज़ भी मिलेगा ब्लू कलर का, जैसे इस डब्बी में लगा हुआ है। तो आपको इससे बाइक में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी वायरिंग वगैरह भी कोई गलत हुई है तो आप अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसका फ्यूज ही चेंज करना पड़ेगा सिर्फ। इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको ये सारा अच्छे से चिपका देना है इसके पीछे टेप लगा के, जैसे कि ये हिले ना और ना दिक्कत आए कोई। तो आप कहीं पे भी इसको फिक्स कर दीजिए अपनी बाइक में। सीट के नीचे लगाना बेटर है क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो पानी से ही ख़राब होती है ऐसी चीज़ें, वरना ये लॉन्ग लाइफ चलती रहती हैं। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप ये वर्किंग करेगी। अब आप वापस अपना सीट वगैरह वापस फिट कर दीजिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे आपने जहाँ जहाँ पर भी वायर अपने कनेक्शन करे हैं वहाँ पे आप टेप से उसे फिक्स कर दीजिए, ताकि वो दिक्कत ना हो, छूटे ना वायर वहाँ से। और इसे वापस से 10 नंबर की से फिक्स कर देंगे सीट को, और अपने सारे टापे वगैरह लगा दीजिए। इसकी फेयरिंग वगैरह अपनी फिक्स कर दीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। अरे कैसी आपको इसको यूज करना है, तो सबसे पहले है लॉक, उसके बाद अनलॉक, उसके बाद स्टार्ट। तो एक बार मैं बाइक को ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं पावर स्टार्ट का बटन, इसको दो बार क्लिक करना है तो बाइक आपकी स्टार्ट।
अगर आप अपनी बाइक को लॉक करके कहीं पे भी खड़ी कर जाते हैं, अगर आपकी बाइक के साथ कोई भी कोई छेड़खानी करता है तो सबसे पहले उसका अलार्म चालू हो जाएगा। उसकी वजह से कोई भी छेड़खानी करता है तो वो बगल से चला जाएगा।